ये पूरन भाई शॉपिंग कर लिया, रो रहे हैं यहाँ पे। ये प्रैक्टिस मॉल का बाहर वाला जो है व्यू है वो बड़ा सा लिखा हुआ प्रैक्टिस मॉल, ये पार्किंग है और ये यहाँ यहाँ तक बना हुआ है। तकरीबन ये मेरे ख्याल से 10-12 एकड़ में फैला हुआ है, बहुत ही बड़ा है, और इसकी पार्किंग भी कोई 3-4 एकड़ में है मेरे ख्याल से। तो दोस्तों फिर क्या करना है, चलना है, रिक्शा करवाना है? हाँ रिक्शा करवाएंगे, और या गाड़ी करना है? नहीं गाड़ी नहीं, रिक्शा करवाएंगे और ऑटो से हम जल्दी जल्दी पहुँच जाएंगे। गाड़ी में ऐसे बंद होके जाएंगे ना तो कुछ दिखाई नहीं देगा लाहौर, और ऑटो में ऐसा होगा कि कुछ ना कुछ खिड़कियाँ नहीं होती उसमें तो अच्छे से दिखाई देगा सब। हाँ लेकिन यहाँ बंद रिक्शा होता है। नहीं हम बंद रिक्शा में नहीं, हम दूसरे में जाएंगे जो ओपन लोकल 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 वाले में। ठीक है ओके चलते हैं जनाब। ये दोस्तों के साथ आए हैं, इसको इसका दान कराएंगे। कल हम लोगों ने आपसे भी देखा है, और चांद भाई दूसरा चांद भाई खा लो खा लो। ये दोस्त इन्होंने शॉपिंग कर ली, मेरे पास आए हुए थे, ये इन्होंने शॉपिंग की है तकरीबन 20-15 हज़ार की, और ये तीनों दोस्त हैं। कल ये जा रहे हैं कैलाश वैली, तो मेरे पास रुके थे, रात रुके हैं, दिन को मैं यहाँ पे लेके आया हूँ प्रैक्टिस मॉल, इनको शॉपिंग करवाई है। अब इनको लेके जाऊँगा गुरुद्वारा लेके जाऊँगा, और वहाँ से इनको बस में बिठाऊँगा हलारी अड्डे से, और ये जाएँगे वहाँ पर। हाँ तो जनाब बताओ कैसा लगा मेरे पास आके, तुम्हारे साहब आपके पास आके बहुत सारा इन्जॉय किया आपने, हमें वो चीज़ें लाहौर की दिखाई जो हम लोगों ने कभी नहीं देखी थी, कभी नहीं देखी थी। पहले आप लाहौर कितने बार आए थे? पहले हम जितनी बार भी आए हैं सड़कें घूम के चल जाते हैं। ये मॉल नहीं देखा था आपने? मॉल भी नहीं देखा था, लेकिन हिस्ट्री के बारे में जो आप लोगों ने आपने बताया वो सच में कोई भी नहीं जानता, इधर लाहौर में रहने वाले भी नहीं जानते। बिल्कुल ऐसे ऐसे ही बिल्कुल। तो ये है पूरन साहब, पूरन साहब कैसे लगा फिर हमारा? इधर 70% ऑफ लगी हुई है, इसको छोड़ो भाई, दिखा भाई को 70% ऑफ नजर आ रही है। मैंने जो इसको पूरा कल का टाइम दिया, आज का टाइम दिया, वो इनको एहसान याद नहीं है। थैंक यू सो मच यार, लाहौर में 70% ऑफ मिलना पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन आज है। ये भाई शान साहब है, इनको शॉपिंग करवाने के लिए मुश्किल है, चूजिंग मुश्किल हो रही है। 10% एक्स्ट्रा ऑफ है जो व्लॉगर है ना उनके लिए, तो आप भी व्लॉगिंग करें और इस फील्ड में इतना पैसा और इतनी रिस्पेक्ट है और इतना डिस्काउंट है आप सोच भी नहीं सकते। तो जल्दी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें ताकि आगे लोगों तक जाए और लोग जो है यूट्यूब पे आए और इस तरह पैसा कमाए और बैग बल्ब लेके घर जाए। तो यहाँ पे हम लोग आप लोगों सब क्या रेट आया कितने 32,000 से 14,000 रुपये की। कितनी की बैंडी 16,000 11,420 रुपये की, पता नहीं यार। ये बैंड 11,420 रुपये की, चांद साहब के लिए बेस्ट एक ले लो, डिस्काउंट वही सीन आ जाएगा तुम्हारे। यहाँ 16,000 शॉपिंग कर ली है, अब हम निकल रहे हैं फाइनली यहाँ से बाहर। हाँ अभी किस साइड पे जाना है आप? ये हमने यहाँ शॉपिंग कर ली है, ये पार्किंग है प्रैक्टिस मॉल के, अब यहाँ से निकल रहे हैं बाहर। तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। तो अब पहुँच चुके हैं रूम के अंदर, शॉपिंग हो गई ख़त्म। ये जनाब शॉपिंग की आप सारी निकालेंगे, ये सबसे पहले अंडरवेयर, फिर ये क्या था सर शॉक्स, ये काला अंडरवेयर, ये शर्ट, ओए 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 ओए, ये क्या उस्ताद, ये पैंट्स शर्ट्स, ये भैंस बिल क्या है, इतने बिल उस्ताद कहाँ से आए, ओए 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 उस्ताद ये बिल एक, ये तो सर सस्ता है, 926 रुपये का। ये उस्ताद किस चीज़ का है, ये भी उस्ताद सस्ता है, ये 275 का उस्ताद। फिर आता है ये बिल, ये भी उस्ताद सस्ता है 275 का। बड़े सस्ते सस्ते चीज़ लेके आए यार, लंडे से तो नहीं लेके आए, क्यों तिवारी साहब? ओ फिर ये बिल है उस्ताद जी 6,994 रुपये का, 7,699 रुपये का, सॉरी
देखेंगे। तो यहाँ पे करते हैं व्लॉग का द एंड।